फाइव क्लास. आज हमारे पास टॉपिक है फैमिली. फैमिली में क्या है, ये हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन है. टीचिंग का, लर्निंग का मतलब कि सीखने और सिखाने का प्रोसेस होता है. अगर हम अच्छी ट्रेनिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, माशरे में एक बंदा जो है वो उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी. फैमिली जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों को ट्रेनिंग करने में. इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोशल ट्रेनिंग का. पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं कि वो कैसे अच्छे ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं, कैसे वो बिहेव करेंगे, किस तरह के उन्होंने ताल्लुकात बनाने हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नेबर्स के साथ. फैमिली जो है वो रिलीजन सिखाती है, मज़हब सिखाती है, अदाब सिखाती है, ईमान के बारे में बताती है, ज़ुबानों के बारे में सिखाती है, रस्म व रिवाज के बारे में बताती है, कदरों के बारे में बताती है, आदात के बारे में बताती है. नेक्स्ट है हमारे पास नेबर्स. नेबर्स जो है वो भी माशरे का इंपॉर्टेंट उसका हिस्सा होता है. जो देहात होते हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर टाइम अपना नेबर्स के जो हमसायों के जो बच्चे हैं वहाँ पर गुजारते हैं. वो एक दूसरे के घर पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं. इस तरह जो है वो इसी सराउंडिंग, इसी माशरे के अंदर जो है वो अपने गुजारते हैं, सीखते हैं. बस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मजहबी जो इदारे होते हैं उसमें मस्जिद हमारे पास इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. जो तालीमी इदारे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रस्मी और गैर रस्मी जो तालीम है उसको सिखाने के लिए. जो पेरेंट्स होते हैं वो भी वाकिफ़ कराते हैं अपने बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन, जो मजहबी तालीम है. नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो सियासी इदारे होते हैं. सियासी इदारों का क्या काम है कि वो कलेक्टिव वेलफेयर, जो एक बाहमी तरक्की के लिए जो है वो स्टेप्स उठाएं और लोगों को इस चीज़ का पाबंद बनाएं कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करें. अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ेगा तो उसको जो है वो पनिश किया जाएगा. ये पॉलिसी जो है ये हमें हमारे पास जो है हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को माशरे के अंदर बनाने में हेल्प करती है. सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो बच्चों के लिए जिसमें हम उनको सोशल ट्रेनिंग देते हैं वो कौन कौन से हैं. फैमिली है हमारे पास, वो हमने देख लिया. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी देख लिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी देख लिया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी देख लिया, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के जो हमारी भलाई के लिए होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स जो है जो हमारे पास होते हैं, ये सारे जो हैं ये सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं. हमारे पास रिकग्निशन ऑफ वेरियस वैल्यूज़ की, जो हमारे पास जो कदरें हैं उनको कैसे हम पहचान सकते हैं. हमारे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उन सब में जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पाई जाती हैं. हर जगह पे क्या होता है, बड़ों का जो है वो एहतराम किया जाता है, औरतों की जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है. जो बड़े होते हैं वो छोटों को प्यार से ट्रीट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं. जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है. जो रीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जो माशरे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बाहमी तावन से जो है वो सॉल्व की जाती हैं. एक दूसरे को खुशी और गम में जो है वो हेल्प करते हैं. देहाती इलाकों में क्या होता है, पंचायत का सिस्टम है. पंचायत के सिस्टम में जो है वो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो होते हैं, वो जो झगड़े हैं लोकल लेवल पर उनके सतह पर जो है वो सॉल्व करते हैं. ये सिस्टम जो है कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाने के, अदालतों और पुलिस स्टेशन जाने से बचाते हैं.